नमस्कार, जीबीएन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने आगामी त्योहार कांवड़ यात्रा और महाशिवरात्रि को सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर में आगामी त्योहार कांवड़ यात्रा और महाशिवरात्रि को सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह, एसपी ग्रामीण राम अर्ज के द्वारा थाना मनावली क्षेत्र के अंतर्गत प्राचीन मोटा महादेव मंदिर पर शिविर संचालक कांवड़ियों क्षेत्रवासियों से गोष्ठी कर सभी को प्रशासन का सहयोग करने के लिए अपील की गई है। साथ ही गोष्ठी में आए लोगों से त्योहार में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी कर आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए गाइडलाइंस आदि के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया और बताया गया कि सभी लोग अपने आसपास के शिवालयों में जल चढ़ावा और दर्शन करेंगे और अफवाहों पर ध्यान ना दें। कोई समस्या होने पर तत्काल संबंधित अधिकारी के सरकारी नंबर पर संपर्क करें। साथ ही साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बिजनौर के जिला अधिकारी उमेश मिश्रा ने कहा कि कांवड़ यात्रियों के आवागमन के मार्ग रास्ते में पड़ने वाले पड़ावों की जानकारी कांवड़ यात्रा में लगे पुलिस बल रूट डायवर्जन की तैयारियों की समीक्षा में लगे। साथ ही शिव महा मंदिरों और शिवालयों देव मंदिरों पर ध्यान रखा जाए। यात्री मार्ग पर स्ट्रीट लाइट सुनिश्चित करें। संवेदनशील स्थलों पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रखी जाए। शिवालयों और शिव मंदिर में भी प्रकाश सहित उत्कृष्ट व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। श्रद्धालु की जनसंख्या लगभग 2 लाख से अधिक आई गत वर्षों से। कांवड़ मेला से संबंधित आज मीटिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के नेतृत्व में अध्यक्षता में बुलाई गई थी। मीटिंग कांवड़ मेला अपने संस्कृति में फुल स्पीड में चल रहा है। इस वर्ष जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, इनकी संख्या कई वर्षों से कई गुना ज़्यादा है। इस समय सड़कों पर जो कांवड़िए हैं फुल कैपेसिटी में चल रहे हैं। ट्रैफिक डायवर्जन कर दिया गया है। पुलिस का डिप्लॉयमेंट, ट्रैफिक का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। पूरी सतर्कता बरती जा रही है। लोगों से भी अपील है, जहाँ पर शिविर लगाने वाले भी सतर्कता बरतें एवं पुलिस कर्मचारियों का, चौकीदारों का, पीएसी वालों का सहयोग करें। रूट डाइवर्जन की बात करें, जैसे कि भीड़ जल्दी इसके लिए व्यवस्था कराएगी। रूट डाइवर्जन भीड़ हो रही नहीं, भारी महकिल का रूट डाइवर्जन कल से कर दिया गया है और अंदर भी रूट डाइवर्जन आज से कर दिया गया है। जहाँ जहाँ भी स्थानीय स्तर पर समस्याएं आ रही हैं, लोगों को बताया था, इसी के अनुसार अग्रिम कार्रवाई भी की जा रही है। अमरोहा जनपद के जोया कस्बे के मोहल्ला जामा मस्जिद इलाके के रहने वाले कमल आलम ने बताया कि उनका पुत्र यूक्रेन से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वहां पर अब जो यूक्रेन और रूस के बीच विवाद चल रहा है, उस जंग के बीच फंस गया है। उन्होंने कहा कि वो बहुत डरा हुआ है, उससे बातचीत में वो वापस बुलाने की गुहार लगा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें भारत सरकार पर पूरा भरोसा है, सरकार से कोई ना कोई मदद जरूर मिलेगी। उन्होंने पीएम मोदी से अपने बेटे को वापस बुलाने के लिए मदद की गुहार लगाई है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कमर आलम। आपके बेटे का क्या नाम है? मेरे बेटे का मोहम्मद फैज आलम है जी। और वहाँ यूक्रेन में एमबीबीएस करने के लिए गया हुआ है। 2 वर्ष से वहाँ पर रह रहा है और अभी 1 महीना पहले यहाँ से गया था। यूनिवर्सिटी ने जो ऑफलाइन क्लासेस शुरू की, उसने बुलाया गया, तब वहाँ पहुँचा है। अब बेटे से हमारी कल बात हुई थी, समाचार हम लोग देख रहे हैं बार बार। वहाँ पे परेशानी है, वो बहुत परेशान है, घबराया हुआ है और कहता है इंडिया बुलाओ पापा। अब हम लोग जितने भी हैं सब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से हम बात गुजारिश कर रहे हैं और उनसे सब लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को वहाँ से निकाले और हमें उम्मीद है कि हमारी इंडिया सरकार अब हमारे बच्चों को बुलाने में सफल रहेगी और पूरी पूरी उम्मीद है हम लोगों को। हम लोग सरकार के धन्यवाद करते हैं और गुजारिश करेंगे अपने बच्चों को हमारे सही सलामत यहाँ आ जाएं। अमरोहा के जोया कस्बे के मोहल्ला मुल्लाना के रहने वाले मोहम्मद उमर के बेटे नूरुल हसन, बेटी कमर जहां और बेटी उमर
एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए थे। वहां पर काफी लंबा वक्त हो चुका है और ऐसे में अब रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण वो वहां पर फंस गए हैं। लेकिन इस बीच वहां पर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच वहां पर फंसे हुए हैं, जिसके बाद उनके परिवार काफी ज्यादा चिंतित हैं। उनके परिवारों ने बताया है कि वो सरकार से अपने बच्चों को वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल उनके मुताबिक उनके बच्चे एम्बेसी के पास हैं, लेकिन जब तक वतन वापसी नहीं होती तब तक उनकी चिंता बनी रहेगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर जी। कहाँ के रहने वाले? जोया मोहल्ला मुल्लाना। यूक्रेन में कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके? चार। क्या क्या नाम है उनके? बड़े का नाम नूरुल हसन, उससे छोटे का नाम कमाल हसन, उससे बड़ी बेटी का नाम उमर जहां, उससे छोटी बेटी का नाम कमर जहां। दो बेटी पढ़ती। अच्छा, चार बच्चे वहां पढ़ते हैं आपके जी। तो वहां से कोई आया आपका बच्चा? हाँ, एक छोटा बच्चा आ गया है, कमाल हसन आ गए। हाँ, वो पहले ही आ गया है, पहली तारीख में। तो क्या कंडीशन बता रहे हैं वहाँ की? वहाँ कंडीशन तो बहुत बुरी है, सही नहीं है वहाँ। फिर भी हमारे बच्चे जो हैं परेशान तो हैं। जब वहाँ झगड़ा है तो तुम जाहिर सी बात है परेशान होंगे, और बहुत परेशान है क्योंकि बच्चे रात सोए भी नहीं है। हमारे बच्चे कभी बगैर लाइट के सोए नहीं है, वहाँ अंधेरे में सोना पड़ा है। बच्चों को खौफ बहुत है। इंडिया गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है आपको? देखिए, हम तो इंडिया गवर्नमेंट से चाहते हैं कि हमारे बच्चे जल्द से जल्दी और सुरक्षित निकाल दें और हमें मिला दें। मेरा नाम कमाल हसन है और मैं यूक्रेन में फिफ्थ कोर्स का स्टूडेंट हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और वहाँ पे हालात ज़्यादा ही ख़राब है। बच्चे परेशान हैं, और जो हॉस्टल में रहते हैं वो ज़्यादा परेशान हैं, और कुछ बच्चे जो मेरे दोस्त हैं वो अपार्टमेंट में रहते हैं, उनको खाने का प्रॉब्लम है, उनको पैसे का प्रॉब्लम है, उनके पास नेट की सुविधा भी नहीं है, और वो लोग बस यही चाह रहे हैं। मैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हूँ उन बच्चों से, जो मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, वो कह रहे हैं कि किसी सूरत से बस इंडियन गवर्नमेंट हमें यहाँ से निकाल ले। बस सब बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, किसी भी टाइम अलार्म बज जाता है भोर का, तो मतलब सारे बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हैं। कितने दिन से आप वहाँ पर रह रहे थे? मुझे कंटिन्यू तो वहाँ पे 4 साल हो गए, मेरा 5th ईयर अभी कंटिन्यू होने वाला है, तो इसलिए। और जो अभी मेरा दोस्त है एक अनस करके डिंगरपुर का है, उससे मेरी बात हुई थी, वो बोला कि कंडीशन अच्छी नहीं है, और वो भी चाह रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी घर आ जाएं। उनके घर वाले भी परेशान हैं, अमराह के बच्चे परेशान हैं, जोया के बच्चे भी हैं, मेरा दोस्त है वो भी परेशान है, सारे के सारे परेशान। कितने दिन हो गए आपको आए हुए? मुझे फिलहाल तो 20 से 25 दिन हो गए आए हुए, पर उस टाइम भी कंडीशन मतलब दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और मेरे वीकेशन थे, मैं इसलिए आ चुका था, वरना मैं भी वहाँ पे फंसा हुआ होता बच्चों के साथ ही। और जैसी उनकी कंडीशन आज भी मेरी कंडीशन होती, मैं समझ सकता हूँ वहाँ पे बच्चे कैसे रह रहे हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है। और हमारी जो यूनिवर्सिटी थी उसने हमारा साथ नहीं दिया वहाँ पे, वो बोलती रही कि कंडीशन मतलब नॉर्मल है, स्टेबल है, पर यूनिवर्सिटी लास्ट टाइम पर आके बोली कि आप जा सकते हो, तो ऐसे में बच्चे कहाँ जाएंगे? इंडिया गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है? इंडियन गवर्नमेंट से यही उम्मीद है, जो हमारे बच्चे इंडिया के जितने भी बच्चे हैं वहाँ पे फंसे हैं उनको पहले सुविधा दें और जल्द से जल्द उनको घर वापसी कराएं, बस यही इंडियन गवर्नमेंट से चाहते हैं, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। फ्लाइट तो बंद हो गई, फिर क्या? नहीं, फ्लाइट तो टेम्परेरी बंद है, पर पोलैंड और हंगरी बॉर्डर से बच्चों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, यानी दूसरे रास्ते से निकाल रहे हैं। आई होप सारे बच्चे सही सलामत आ जाएंगे और अपने माँ बाप से ठीक से मिल सकेंगे। बलिया सदर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी दयाशंकर सिंह का प्रचार करने बलिया पहुंची बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री सुपरस्टार हेमा मालिनी ने जनसभा को संबोधित करते हुए यूक्रेन और रूस में हो रहे युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को इतना आगे ले गए हैं कि पूरा विश्व देख रहा है, रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, इसी बीच मोदी जी भी उस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व के
जितने भी लीडर है वो चाहते हैं कि मोदी जी आगे जाकर कहें कि इस युद्ध को रोके, खत्म करे। पूरा विश्व मोदी जी को सम्मान दे रहा है, मोदी जी पर हमें गर्व होना चाहिए, हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं। कहा बलिया में भी एयरपोर्ट बनाना चाहिए। उन्होंने दयाशंकर सिंह से कहा कि आप बलिया में एयरपोर्ट बनवा दीजिएगा। साथ ही कहा कि 300 सीट हमारी पक्की है और हमारी सरकार भी पक्की है। 2017 से पहले यूपी में गुंडागर्दी चल रहा था, ये सबने देखा है। इसके साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला बोला। वहीं हेमा मालिनी भीड़ देखकर गदगद हुई मंच से। फिल्मी डायलॉग में जनता से अपील की कि आपकी बसंती का इज्जत का सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 साल के अंदर पूरा देश को इतना ऐसा आगे लेकर गए हैं कि पूरा विश्व देखता रह गया है। वो इतना महागुरु जो बोल रहे हैं बनने वाला है, उसका पूरा लक्षण अभी दिख रहा है। अभी रशिया और यूक्रेन में अभी युद्ध चल रहा है ना, मालूम है आपको, बीच में जाकर उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पूरा विश्व के जितने भी लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि मोदी जी आगे जाकर कहें कि इस वॉर को खत्म करो, बस करो, रोको। मतलब इतना सम्मान दे रहे हैं पूरा विश्व हमारे प्रधानमंत्री को। हमें गर्व होना चाहिए कि ऐसे एक प्रधानमंत्री हमारे हैं जिनके हाथ में आज पूरा देश है और हर क्षेत्र में हर जगह विकास हो रही है। इतना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, हर जगह एयरपोर्ट बन रहा है अभी, है कि नहीं? अभी बलिया में भी शायद आप विधायक बनने के बाद एक अटलीस्ट एक छोटा सा एक एयरपोर्ट बनना चाहिए, आप बना दीजिए, एयरपोर्ट करेंगे। इसके अलावा कि 300 सीट हमारी पक्की है, ऊपर ऊपर कितने गुंडागर्दी कैसे चल रहा था पूरा उत्तर प्रदेश। लोग, मैं जब बाहर गांव विदेश जाती हूँ तो लोग बोलते हैं ओ उत्तर प्रदेश, नहीं नहीं बाबा ऐसा नहीं, उधर जाना ही नहीं, उनको डर लगता था। और जब हम कहते थे बड़े बड़े उद्योगपति से कि आप यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े उद्योग लगाइए, बहुत बड़े बड़े कारखाने लगाइए ताकि बहुत रोजगार मिल सकती है नौजवान लोगों को, लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वहाँ पर तो जाना तो हम तो मौत को इन्वाइट कर रहे हैं, इतना इतना डर बैठा हुआ था ना जी, जी, जी। इतने डर, भय, भूख, ऐसी स्थिति थी। उसको योगी जी ने जैसे आए, जैसे वो मुख्यमंत्री बने, उसको सब खत्म किया। आपकी बसंती एक छोटा सा डायलॉग बताएगी, चल छन्नू आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है, दया शंकर जी को जरूर जिताओ आप लोग। धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।